हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट पीएचडी एडमिशन की डिटेल को कवर करने वाले हैं। ये अपडेट निकल के आई है यूपी से। ये लेटेस्ट पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करने वाली हूँ। तो कल की वीडियो में मैंने 5 ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से निकल के आई थी पीएचडी एडमिशन की अपडेट, उसकी दी थी मैंने आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से। नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। कल के ही वीडियो में मैंने कराया था। तो कल शाम को लेटेस्ट न्यूज निकल के आई पीएचडी की, तो मेरे को नॉलेज में आया तो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिस फॉर पीएचडी एडमिशन 2023-24 के नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको, तो आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये जो नोटिस निकल के आया है यूपी से, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ जो यूपी में है, वहां से पीएचडी की अपडेट निकल के आई है। नीचे स्क्रोल डाउन करते हुए जब आप आएंगे तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की जो मेन मेन हाइलाइट्स हैं यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है पॉइंटों में, आप चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। और साथ ही यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है जिसमें ये नोटिफिकेशन निकाला गया है पीएचडी के लिए, किस सब्जेक्ट में या किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है फिलहाल इसके रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही अलग से कोई इसके ऊपर पीडीएफ अपलोडेड की गई है वेबसाइट पे। तो सीधा यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन कर दिया है। तो ये सारे डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो पीएचडी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे हिंदी है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए हम इसकी मेन मेन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन रिगार्डिंग कोई क्वायरी है तो इस पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक दे रखा है एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, ये दो एप्लीकेशन लिंक दे रखे हैं, इस लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मेंशन कर रखा है ये नोटिफिकेशन। तो आपने जब ये फॉर्म फिलअप करना है तो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो उसके प्रिंट आउट है उसको अपने पास में रखना है ताकि आपका जब भविष्य में प्रवेश काउंसलिंग हो तो उस समय आपके ये सारे डॉक्यूमेंट साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट उस टाइम आपको काम आए। नीचे और स्क्रोल डाउन करेंगे तो इस पीएचडी प्रवेश के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं 2 अगस्त से और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 24 अगस्त। अंतिम डेट या लास्ट डेट यानी कि 500 पे करके आप इस फॉर्म को 1 सितंबर तक भी फिल कर सकते हैं और एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा 8 सितंबर 2023 तक। नीचे स्क्रोल और डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपका जो एग्जाम रहेगा वो वहीं पे मेन कैंपस में ही रहने वाला है यूपी में लखनऊ में। तो सैटरडे सितंबर 23 सितंबर 2023 1 PM to 3 PM आपका ये एग्जाम रहने वाला है। बाकी जो आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा 30 सितंबर और उम्मीदवार और यहाँ पे मेंशन कर रखा है योग्य उम्मीदवारों का जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो कि अप डाउन हो सकता है डेट। और साथ ही आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो विजिट करते रहना पड़ेगा आपको आफ्टर फॉर्म फिलअप करने के बाद। और नीचे स्क्रोल डाउन करते हुए इम्पोर्टेंट मैं आपको जानकारी दे देती हूँ इस वेबसाइट के रिगार्डिंग। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप इजीली वेबसाइट पे विजिट करके इस नोटिफिकेशन को खुद से डाउनलोड करके आप रीड आउट कर लें और उसके बाद एप्लीकेशन डालें। और मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह से पीएचडी अपडेट देती हूँ जो हिंदी सब्जेक्ट से निकल के आती है स्पेशली।
इंग्लिश में ये डेट दी गई है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। और अपने चैनल के माध्यम से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की अपडेट भी देती हूँ, तो यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे आपने क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है वो सब मेंशन कर रखे हैं। और यहाँ पे जिन्होंने यूजीसी सीएसआर नेट स्लेट ये सब क्वालिफाई कर रखा है, इंटरव्यू के दौरान उनके 3 मार्क्स काउंट किए जाएंगे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के दौरान एडमिशन के। या फिर जेआरएफ जिन्होंने कर रखा है, यूजीसी सीएसआर जेआरएफ या एक्विवेलेंट एग्जाम, तो उनके 5 मार्क्स दिए जाएंगे, सब ऐसा मेंशन किया हुआ है, आप खुद भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट की 70% वेटेज मिलेगी 30% इंटरव्यू की। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहने वाली है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग जन के लिए 750 रुपये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है। साथ ही अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1500 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस मांगी है, जो कि काफी हाई है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे 9 पेज का ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 55% मार्क्स अगर आपके पीजी में है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये नेट सेट क्वालिफाई कर रखा है जेआरएफ, ये सब आपके मार्क्स जुड़ेंगे। जिन्होंने नेट कर रखा है उनका 5 सॉरी 3, और जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है उनका 5, ऐसा इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी अपडेट रिगार्डिंग, तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।